नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस 21,391। बहुत ज़्यादा कमेंट आया, क्या सर इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट पर एक वीडियो बनाइए। देखिए, मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मुझे कोई जानकारी होती है। जब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है तो मैं फर्जी आप लोगों को बरगला नहीं सकता हूँ। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ, संभावना बता सकता हूं, उसके अनुसार आप कार्य करिएगा। जैसे इसके मेन जो इसका एग्जाम हुआ था, इसके डेट के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि भैया इसका जो एग्जाम है वह लगभग जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा, तो जो अनुमान लगाया था वह अनुमान लगभग सटीक ही निकला था। ठीक इस प्रकार से इसके रिजल्ट पर भी मैं अनुमान लगाऊंगा, और ऐसे अनुमान नहीं, कुछ आधार होते हैं, कुछ सूत्र से जानकारी ली जाती है ना, पता किया जाता है, तो उनके आधार पर ही चीजें बताते हैं हम, है ना। तो जो भी जानकारी दे रहे हैं ये समझिए कि एक अनुमान लगा रहे हैं हम। जो इसका रिजल्ट है वह आपको इस महीने के आखिरी तक या अगले महीने में आपको निश्चित ही दिखाई देगा। जी हाँ, या छठ के बाद दिखाई दे, है ना। कहने का मतलब है कि छठ के आसपास आपकी खुशखबरी जो है वह आने वाली है। अब रही बात कि भैया सर किसका किसका रिजल्ट होगा, जरा एक बार कट ऑफ थोड़ा सा फिर बता दीजिए। यही मैक्सिमम कमेंट रहता है। तो देखिए, कट ऑफ पर मैं लगभग 8-10 वीडियो बना चुका हूं, अब मैं थक गया हूं भाई, कट ऑफ जान के क्या करेंगे। मैं आपको तो चीखते चिल्लाते दसन बार कहा हूं कि भाई साहब अगर 50 से 60 के बीच में हैं तो रनिंग करिए। अब आप लोग हल्के में ले रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है वह बिल्कुल जल्द ही आ जाएगा। आपका अक्टूबर लास्ट, नवंबर शुरुआत हो, नवंबर में 2-4-5 दिन आगे जा भी सकता है ना, यहां तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद आप लोग की बेचैनी शुरू होगी कि सर फिजिकल कब से होगा। भाई आप अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए ना, इतना ध्यान आप क्यों दे रहे हैं, ये सब होगा। अब आपको पता है कि जब चुनाव नजदीक रहता है तो सब कुछ कराया जाता है, और आपको यहू पता है, आप तो जानबे ना करते हैं जी कि नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो इसको जल्दी ये क्लियर कराएगा तभी ना नई वैकेंसी आएगी, है ना। और माथा पर चुनाव भी है, तो कौन नहीं चाहता है कि चुनाव में हम अपने अच्छे कारनामे गिनाएं, है ना, आपको अच्छे कारनामे बताए जाएंगे तभी तो आप उनको वोट दीजिएगा। तो उस अच्छे कारनामे में यह भी तो एक होगा कि भैया हमने बिहार पुलिस की इतनी भर्तियां की, और नियुक्ति पत्र भी तो बांटना है। अब तो यह ट्रेंड चल गया है नियुक्ति पत्र बांटने वाला, है ना। तो ये सारी उपलब्धियां जो है यह चुनाव में गिनानी होती हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब कुछ जल्दी होगा। अब ये जो नई वैकेंसी आने वाली है ना, इसमें भी जल्दी ही होगा सब कुछ, तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आप अपनी तैयारी में लगिए। ये तो बातें हो गई रिजल्ट की। अब मुख्य रूप से बात करते हैं जो नई वैकेंसी आने वाली है कि इसकी तैयारी जो है यह कैसे करें। अच्छा, मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा था, इधर 2 दिन से मैं क्लास को ब्रेक लगाया हूं, ठीक ना। तो ब्रेक लगाने का ये मतलब नहीं है कि क्लास नहीं चलेगा, क्लास बिल्कुल चलेगा, परेशान मत होइए, क्लास चलेगा। चूंकि देखिए होता है क्या ना कि मैं भी ड्यूटी करता हूं, तो बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाता है, समय का अभाव हो जाता है, तो 1-2 दिन की बात है। ये मान के चलिए कि कल से आपको क्लासेज उसके भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जो नई वैकेंसी है इसमें आप तैयारी करें तो आप क्लास कर सकते हैं। क्लास इसलिए लेट हो रहा है कि क्योंकि जो उसके PDF तैयार करने हैं, जो क्वेश्चंस छांटने हैं, उन सब की छटाई चल रही है ना, तो उसी में समय जो है वह लग रहा है। अब जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर 1-2 दिन मुश्किल से आज समय लगेगा, कल से जो है वह आपको सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आपने समझा, इस पर फोकस करेंगे। अब आप ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगे कि रिजल्ट कब तक होगा, रिजल्ट कब तक होगा, और फिजिकल कब तक होगा, है ना। तो चलिए, अब अगर इजाज़त देते हैं तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।
जय हिंद।